हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्टपुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई, आज जो है मैं वीडियो बनाऊंगा मुर्गे के लखवे के तरीके से। जिन मुर्गे को लखवा हो गया है उसका जो है अब क्या ट्रीटमेंट करें, क्या उपचार करें, किन कारणों से हो जाता है और देसी खुराक कौन सी देनी है और इंग्लिश खुराक कौन सी देनी है। ठीक है दोस्तों, दरअसल क्या है, मुझे एक मेरे भाई का जो है एक मैसेज आया था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे मुर्गा जो है ना, जैसे मैं अपने मुर्गे को उठाता हूँ तो वो नाड़ जो है ढीली करके छोड़ देता है, लटका देता है। तो उस कंडीशन में कहीं मेरे मुर्गे को, मुझे ऐसा लगा कहीं वो लखवे का शिकार ना हो जाए। बाद में जो है उन्होंने मुझे भाई ने वीडियो बना के या फोटो बना के मुझे सेंड करा था, तो उनका मुर्गा जो ठीक ठाक था, बढ़िया था, उसका मैं आपको शौक भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। दरअसल बात क्या है, जो हमारे मुर्गे लखवे का जो शिकार होते हैं वो होते हैं जो पूरे दिन मेरी तरह सुबह ड्यूटी से निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए और जो है शाम को ड्यूटी पर आते हैं। पूरे दिन जो हम खाने के लिए देंगे, पीने के लिए देंगे, वो खाना पीना खाया और वो जो है दड़बों में, केज में या कमरों में, सेटर में पूरे दिन जो बंद रहते हैं, तो वे समस्या सब उनके साथ होती हैं। जो धूप में खेल रहे हैं, धूप में उन्हें विटामिन डी मिल रही है और जो है मट्टी खा रहे हैं, कैल्शियम पूरा हो रहा है, कीड़े खा रहे हैं, प्रोटीन पूरा हो रहा है और हरी घास खा रहे हैं, आबादी वाले क्षेत्र में घास में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फ्री रेंज एरिया में घूम रहे हैं, तो वहाँ से हरे पत्ते खाएंगे, वहाँ से उनका विटामिन सी और विटामिन ए जो वहीं से पूरा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मौज ले रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे मुर्गे की जो नाड़ जो टेढ़ी हो जाती है या घुटनों के ऊपर बैठ जाती है, जैसे कि उन्हें हम आम भाषा में कहें तो फालिस पड़ गया, या नाड़ में नाड़ तिरछी होगी तो कह दिया कि इसे जो लखवा हो गया, विटामिन सी की कमी है, बता रहा हूं मैं आपसे पहले ही। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, इसमें जो है ना, आप जैसे कि हम अपने उस्तादों के धोरे या मुर्गबाजों के धोरे बैठते रहते हैं, तो वहां इस तरीके के जो जिक्र होते रहते हैं वही तरीका मैं आपको, वही जो है कुछ अपना तजर्बा उनका अपना या उनका अपने जो मित्र हैं उन भाइयों का तजर्बा शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। जो मुर्गे का जो है गर्दन, जो जैसे कि जो हमारे मुर्गे की जो नस हैं, नसों में जो है खून का प्रॉपर जो है वो सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, जैसे कि या तो वो खून की नस जो है वो दब जाती हैं सूजन के कारण या किसी चोट के कारण, तो सप्लाई जो है खून की वो प्रवाह जो है खून का जो पर्यावरण है वो जो है पर्यावरण नहीं जो उनका जो संचार है खून का वो जो है वो वहां तक जो है पहुंच नहीं पा रहा, जो उनका खून का जो दौरा है, जिसके कारण जो है ना वो, अगर हमारे जो है पैर में ये दिक्कत हो गई है, खून का नस दब गई है या खून वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या कहेंगे उसमें जो फालिस हो गया, ऐसी वो नाड़ का दिक्कत होगी तो वो लखवा हो गया। इसमें देनी है भैया जी, जैसे कि इंसानों में भी आपने देखा होगा, गौर करी होगी, डॉक्टर जो गोताना होते हैं या डॉक्टर होते हैं हकीम वैद, वो देते हैं गर्म दवाई, गर्म खुराक। गर्म खुराक जो है वो कौन सी गर्म खुराक है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पहले बता रहा हूं मैं आपको, यदि लखवा हो गया है, नाड़ तिरछी हो गई है या घुटने से मुर्गा बैठ गया, तो उसे गर्म खुराक, जैसे कि उसमें विटामिन सी के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल, या है ना जैसे कि गर्म वे हो गए, गर्म कैप्सूल मछली के या विटामिन ई के, है ना, ईबियोन जैसे कि, ये आप दे सकते हैं या उसमें जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन आपको लगाना है वो पतली वाली सुई जो होती है, जैसे कि एक डॉक्टर अपनी भाषा में इंसुलिन का शायद बोलते हैं उसे, ये स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूँ। तो इसको जो ना आपको सुई को हाफ लगाना है, सुई को हाफ लगाना है, आधी आधी, और सीधी नहीं लगानी, जैसे सीधी आप इस तरीके से ठोक दो, इस तरीके से नहीं लगानी, या तो आपको ऊपर की तरफ लगाएं या नीचे की तरफ लगाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि निचले वो आंत हैं, गुर्दा है, फेफड़ा है, जो कलेजा है, उसमें जो टच हो जाए, अंदर वाले ऑर्गन्स में जो सुई टच हो जाए, कहीं लेने के देने नुकसान ना हो जाए, तो सुई को जो है तिरछी लगाएं और जो है हाफ लगाएं, पतली वाली सुई। और दवाई लेनी है आपको सिर्फ 1 ml में, आपको जो लाल वाला निशान लगा रहा हूं आपको, इस तरीके की जो है दवाई आपको लगानी है। तो भाई भैया जी, मैं बता दूं आपको, आपको जो है ना दवाई, इंजेक्शन दवाई जो मैंने आपको दी है, जैसे कि मछली वाले या विटामिन ई इवियोन, या फिर इंजेक्शन लगाना आपको वो वाला नैरोबियन का टीका,
ये लगाना है आपको शाम के वक्त, ठीक है। ये तो होगी गर्म खुराक। और देसी खुराक जैसे कि आपने गर्म खुराक बता रहा हूँ आपको, वो ले लिया मुनक्खा, मुनक्खा चार मुनक्के ले लेने। एक तो थे किशमिश जो अंगूरों को सुखा के बनाते हैं, आप सभी जानते होंगे, और जिनमें बीज निकलते हैं वो होते हैं मुनक्खे। चार मुनक्खे ले लें, दो काली मिर्च, और इन सबको कूट के एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और नहीं तो आपको जो ना जो चाय छानने वाली छन्नी होती है लोहे की, उसमें आपको ले लेनी है वो जायफल। जायफल को आपको घिस लेना है। कितना खुराक देनी है उसमें, जैसे कि आपने एक चने के चना को यदि आप कूटेंगे एक चुटकी वो वाला जायफल का पाउडर, ठीक है, मुनक्खा, जायफल का पाउडर, और आपको जो है दो काली मिर्च, और भाई आपको जो ना उसमें एक चीज़ हल्दी भी आप जो उसमें मिला सकते हैं। यदि आप मुनक्खे को इस तरीके से मलते रहेंगे तो वो एक गोली की सेप ले लेगा, वो बिल्कुल जो ख़त्म हो जाएगा उसका जो असली जो वास्तविक रूप है। तो ये खुराक जो ना आपको अपने मुर्गे को हैंड फीड करा देनी है, ठीक है, ये खुराक होगी। और एक ये मान लो जैसे कि आपने सांझ को दे दी या सुबह को दे दी, एक टाइम कोई से भी, और आपको दे देनी है एक टाइम आपको देनी है वो लहसुन चार कलियां, पूरी लहसुन पोती या गुली नहीं कह रहा मैं, सिर्फ चार या तीन कली आपने लहसुन की, एक छोटी हरी मिर्च या अदरक का टुकड़ा आप इस तरीके से अपने मुर्गे को दे सकते हैं। दरअसल बात क्या है, लहसुन हरी मिर्च में काली मिर्च क्यों बोल रहा हूँ, उसका जो खून का जो वो है सप्लाई है वो तेज़ी से जो है वो सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गर्म खुराक है। इन सबको देने के बाद में मैं बता दूं आपको, आपको जो ना एक गर्म, जैसे हम किसी को फालिश पड़ जाती है उसकी मालिश करने के बाद में हम जो है उसे एक सेपरेट जगह जो बंद कर देते हैं, जैसे कि उसे हवा ना लगे, हवा जैसे कि एक नेचुरल हवा लग रही है, एक जो है प्राकृतिक हवा लग रही है, ये ऐसी ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, उसे पट्टी बांध देते हैं ताकि उसमें पसीना आएगा और खून का दौरा तेज़ हो जाएगा, सप्लाई नस की खुल जाएंगी। गर्म दवाई है, आपको जो ना एक अंदर कमरे में बंद कर दें जहाँ छांव वाली जगह हो, यहाँ कोई हवा नहीं लग रही, आप ऐसी जगह जो उसे छोड़ सकते हैं। यदि आप उसे पिंजरे में छोड़ देंगे तो उसके हवा उससे टच होएगी, संपर्क में आएगी हवा। आपको बंद वाले एरिया में जहाँ हवा का एयर कंटेनर, ऐसा उसे किसी डिब्बे में नहीं बंद करना ताकि उसका दम ही घुट जाए, दम नहीं घोटना उसका, ठीक है, एक काम हो गया। और यदि आपने इस काम को करना है सर्दियों के समय में, ज़्यादातर जो ये पैरालाइज जो होते हैं या लकवा वाले दिक्कत जो होती है वो सर्दियों के समय होती है, तो सर्दी के समय यदि आपको देख दिक्कत आ गई है और आप उसका उपचार कर रहे हैं तो आप उसे जो ना उसका ब्रूडिंग का सेपरेट इंतजाम कर दें और वहीं पर उसे रखें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मुझे कॉल, वीडियो बनाकर या कॉल जो भी करना है आपको, आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम जरूर दूंगा। दोस्तों ये सब नुक्ते जो ना मेरे खैर मुर्गियों को अभी तक लकवा नहीं हुआ है, ऊपर वाले का रहम है, लेकिन जो हम अपने दोस्तों में उस्ताद जो लोग पास बैठते हैं ये सब उन्हीं की जो है एक तालमेल जो बात चलती रहती है, चर्चा चलती रहती है, ये सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।